हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे 100 गज के प्लॉट में कितने फीट और कितने मीटर होते हैं। तो काफ़ी आप क्या करते हो कि आपके जो साइड पे होता है कि ये पूछ लेता है कि ये आपका 100 गज का मकान है या फिर 100 गज का प्लॉट है, तो आपके मन में ये रहता है कि हम कितने फीट हो गया ये, फिर कितना स्क्वेयर मीटर हो गया। तो वही हम जानेंगे। काफ़ी होता है कि आपका प्लॉट 120 गज का भी होता है, 100 या फिर 80 गज का भी होता है, 75 गज का भी होता है, 40 गज का होता है। तो वो जो गज है और कितने फीट होता है, गज में कितने फीट होते हैं, या फिर एक स्क्वायर गज में कितने फीट होते हैं, कितने मीटर होते हैं, या फिर आप जो साइड पे है होता है जो आपको प्लॉट होता है वो आप स्क्वायर फीट में मेजर करते हो या फिर स्क्वायर मीटर में मेजर करते हो, मतलब इसको नापते हो स्क्वायर फीट में नापते हो या फिर स्क्वायर मीटर के अंदर नापते हो आपके प्लॉट को, तो वो कितने गज हो जाएगा, तो वो इस पूरी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो, इसको वीडियो को काट काट के देखते हो, तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जो भी आप वीडियो सीखते हो, जो भी आप देखते हो, वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जिससे कि आने वाले टॉपिक आपको क्लियर होते रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बारे में, जो आपका प्लॉट है 100 गज का प्लॉट है, ठीक है। तो मैं ये लिख कर पहले से इसलिए रखता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा, अगर मैं लिखने में टाइम लगा दूंगा तो आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप कहेंगे कि ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं पहले से इसको लिख कर रख लेता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी ये मैं फाइल्स बनाता हूँ, ये अब आज से, मतलब कि पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो को देखो, मैं एक फाइल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर मैं लिख कर रखता हूँ ताकि मैं जो ये क्लिक्स है, मैं इनका जो फ़ोटो है यहाँ पे समझाने के बाद, वो जो फ़ोटो है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है, या फिर आपको कम्युनिटी के अंदर भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो जहाँ वहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए, और अपनी जो टॉपिक्स है, जो पिक्स है, जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपसे कोई टॉपिक रह जाता है, तो वहाँ पर आप इसको पिक को उठा सकते हो, इस इमेज को उठा सकते हो। इसीलिए मैं पूरा प्रोपोजिशन नोट्स इसको बनाता हूँ, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए, जब भी आप, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाते रहिए, ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आ जाए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तब भी कोई अभी साइट पे भूलते हो या फिर कोई ना इन्फॉर्मेशन से आपके माइंड में नहीं रहती है, कोई भूल जाते हो, तो कोशिश कीजिए अपनी नोट्स बुक उठाइए, तो वहाँ पर अपना रीड आउट कीजिए, ठीक है, चेकआउट कीजिए अपना। तो हमारे पास 100 गज का एक प्लॉट है, तो उसमें हम जानेंगे कि ये कितना फिट हो गया है या फिर कितना मीटर का प्लॉट हो गया है। तो आप जानते हो कि एक मीटर के अंदर होता है 3.28 फीट। आपको कन्वर्जेंस फैक्टर है वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, काफ़ी जो फ्रेशर होते हैं, नए नए होते हैं, उसको थोड़ा याद नहीं होता है, ठीक है। तो एक गज के अंदर होता है 3 फीट। एक गज हमारे पास, जो एक गज होता है मतलब कि साइड पे नहीं होता है, दर्जी वर्जी के पास होता है, वहाँ पर देख लेना आप। तो जो गज है, मेजरिंग टेप के अंदर कभी गज नहीं मिलेगा आपको, मेजरिंग टेप के अंदर सिर्फ हम करते हैं फिट, ठीक है। एक तो फीट से मेजर करते हैं और या फिर मीटर से या फिर फीट से मेजर करते हैं। तो लेकिन इसके अंदर एक फीट है, एक मतलब एक फीट, दो फीट, तीन फीट। जब तीन फीट आपके मेजरिंग टेप के अंदर निकल कर आ जाता है, तो उसका मतलब है आपका एक गज हो गया, या फिर इसको यार्ड बोलते हैं। काफ़ी बोलते हैं कि यार्ड क्या होता है, गज क्या होता है, तो उसको YARD बोल भी सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं एक मीटर के अंदर, ठीक है, एक गज के अंदर होगा 3 फीट, तो एक मीटर के अंदर कितना गज हो जाएंगे। तो एक मीटर में हमारे पास है, देखिए, एक मीटर के अंदर है 3.28 फीट और एक गज में 3 फीट, तो हम टोटल गज निकल जाएंगे अब, ठीक है। तो एक मीटर के अंदर 3.28 फीट निकाल देते हैं और 3 फीट से इसको भाग कर लेते हैं, क्योंकि एक ये गज है, ठीक है। तो डायरेक्ट गज से आप निकल कर आ जाएंगे, तो 1.09 गज। तो एक मीटर के अंदर कितना गज हो गया, 1.09 गज। उसके बाद देख लेते हैं एक गज, तो एक गज में कितने मीटर हो जाएंगे। तो अगर एक मीटर के अंदर 1.09 गज होते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा है कि एक गज में निकालने के लिए 1.09 हो जाता है, तो 1.09 तो कितना हो गया, 0.91 मीटर, ठीक है। तो ये आसान हो गया, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ज़्यादातर गज स्क्वेयर के अंदर, कि जो प्लॉट होता है वो आपको सिंपल गज लिखते देता है, पर जो अगर आपका कोई प्लॉट है तो वो गज का मतलब ये नहीं है कि वो गज ही है, कि वो सिंपल इसको क्या कहते हैं, गज स्क्वेयर कोई नहीं बोलता है, लेकिन गज ही बोल देता है, क्योंकि प्लॉट है, एरिया के अंदर होता है, आपको एरिया का जो यूनिट होती है स्क्वेयर होता है, मीटर स्क्वेयर हो या फिर फीट स्क्वेयर हो, जो एरिया का यूनिट होता है, क्योंकि प्लॉट आपका एरिया के अंदर ही नापा जाता है, मतलब कि क्षेत्रफल के ही अंदर नापा जाता है, इसलिए इसको एरिया या फिर इसको स्क्वेयर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसकी पावर 2, तो ये 2 लिखते हैं। गज स्क्वेयर बराबर होता है 9 फीट स्क्वेयर, ठीक है, तो 9 फीट की 2, 9 फीट क्षेत्रफल। तो उसके बाद हमारा एक गज स्क्वेयर के अंदर होगा
कि 0.91 × 0.91 कितना हो जाएगा, 0.83 मीटर का स्क्वायर, कि एक मीटर एक गज में हमने निकाला था यहाँ पे 0.91 मीटर, तो 0.91 × 0.91 कितना हो जाएगा, 0.83 मीटर। क्लियर इज। उसके बाद जानते हैं 100 गज स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है 100 गज का प्लॉट, तो 100 गज में कितने हो जाएंगे, तो 100 गज गुना 9, क्योंकि एक गज स्क्वायर में हमने निकाला था 9 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे हो जाएंगे 9, तो 100 गुना 9 तो 900 स्क्वायर फीट। क्लियर इज। तो 900 स्क्वायर फीट हो गया। अब अगर हम जाने कि 100 गज हमारे पास 100 गज में 900 फीट होते हैं, तो 100 गज में कितना मीटर होंगे, तो वहाँ पे हम सिंपल कर देंगे 100 × 0.83, यहाँ पे हमने निकाला था 0.83 मीटर स्क्वायर गज में, तो यहाँ से भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं 83 मीटर का स्क्वायर। तो इतना निकालने बाद अब आगे थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा और आगे जानेंगे, एग्जांपल के सामने जानेंगे। अगर आपके पास लंबाई है 30 फीट 4 इंच है, चौड़ाई है 20 फीट 2 इंच, तो कैसे जानेंगे कितना फीट है, कितना गज है, कितना मीटर है। तो एरिया निकालने के लिए 30.33, तो 30.4 मैंने पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड कि 4 फीट को हम कैसे करते हैं, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट पॉइंट में लिख दिया 8 × 32 नहीं है लेकिन ये 33 है, तो 33 को कर देंगे क्योंकि ये 12 से 4 × 12 मतलब तीसरा पार्ट है। आपको एग्ज़ाम के अंदर भी देखा होगा ना, 100 में से अगर 33% पर मार्क्स पे पास हो जाते हो, तो ये चौथा पार्ट है, 4 × 12 तो तीसरा पार्ट है, तो मतलब 1/3 पार्ट है, तो 1/3 पार्ट का मतलब क्या हो गया आपका 0.33। तो अगर यहाँ पे 5 होता 5 × 20 5 × 15 यह कोई मैटर नहीं करता, जैसे कि 3 है तो 3 × 12 तो 3 × 12 1/4 पार्ट हो गया, तो यहाँ पे 0.25। तो वही हमें सिंपल लिखना है, पिछली वीडियो देख लेंगे थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो 30.33 × 20.16 तो 16 कैसे आया, 20 और 8 × 16 तो 16 हो गया, तो दोनों को गुना करने पर 611.45 स्क्वायर फीट हो जाता है। तो स्क्वायर फीट को हम इतना भी लिख सकते हैं, 0.45 छोड़ देते हैं। तो हम निकालेंगे कितना गज हो गया ये, तो गज में निकालने के लिए आपको सिंपल, यहाँ से हमने जाना था कि गज है गज में मीटर में जाएंगे फीट में जाएंगे, यहाँ पे गज से मीटर के अंदर जा रहे हो और फीट के अंदर जा रहे हो कि ये गज में कितने फीट हो गया, इतने गज में कितने मीटर हो गया। और यहाँ से हम जानेंगे कि आपने कोई प्लॉट नापा फीट के अंदर, तो उसको जाने कितना गज हो गया, तो यहाँ पे गज का स्क्वायर है, तो गज का स्क्वायर सिंपल क्या है, हमारे पास फीट स्क्वायर है 611 फीट है, और एक गज में कितने होते हैं 9 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पे 611, तो 611 को भाग कर लेंगे 9 से, क्योंकि स्क्वायर फीट छोटा होता है, स्क्वायर फीट छोटा होता है और गज बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको भाग कर लेते हैं कि 9 से भाग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिखा भी होता है गज स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर फीट, तो एक फीट स्क्वायर में कितने होंगे 1/9, तो अगर आप यहाँ पे सब डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/9 भी कर सकते हो, 611 × 1/9 भी बस सिंपल तो वही है, 611 × 1 9 × 9 तो 67.88 गज का स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद देखिए मीटर में कैसे जानेंगे, तो 611 × 10.76 तो 10.76 एक मीटर स्क्वायर के अंदर होते हैं 10.76 फीट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था एक मीटर में 3.28 फीट, तो 3.28 × 3.28 तो कितना हो जाता है 10.76, तो एक मीटर में 10.76 फीट स्क्वायर। अगर एक फीट स्क्वायर के अंदर जानते हैं तो एक फीट स्क्वायर के अंदर हो जाएंगे 1.1076, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 611 × 10.76 से को भाग कर लेंगे, क्योंकि एक फीट में मीटर से फीट में जा रहे हो, मीटर से फीट में जा रहे हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, तो इससे आप आसानी से कर लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। तो 10.76 को भाग कर लेंगे तो आपके पास आता है 56.78 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद देखते एक फीट, अगर आप डायरेक्ट इससे भी गुना, अगर यहाँ पे भाग नहीं करना चाहते हो, गुना करना चाहते हो, तो वो आपका पॉइंट के अंदर आएगा, कैसे आएगा देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास है एक फीट स्क्वायर, एक फीट स्क्वायर में होते हैं 1/9 गज स्क्वायर, एक फीट स्क्वायर में 1/9 गज स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे जाकर सीखा था एक गज स्क्वायर के अंदर होता है 9 स्क्वायर फीट, तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 × 0.11 अगर आप चाहते हो कि 611 है, तो यहाँ पे आपके पास है 611, तो 611 × 0.111 से भी डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा गज स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये गज स्क्वायर भी निकल कर आया था डायरेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं मीटर स्क्वायर, अगर एक मीटर स्क्वायर में थे हमारे पास 10.1 मीटर के अंदर, एक मीटर में थे 10.76 फीट, तो एक फीट स्क्वायर में कितने मीटर होंगे, तो 1/10.76 तो कितना हो जाएगा, तो 0.0929 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो 0.092 स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास निकाल रहे हैं मीटर स्क्वायर के अंदर, तो मीटर स्क्वायर के अंदर निकालने के बाद 611 गुना कितना था फिट, 611 फिट, और कितना था 0.0929। तो टोटल आपका मीन निकल गया है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे निकल गया था टोटल गज स्क्वायर। तो इस तरह से आप आसानी से गुना भाग कर लेते हो कि जान लेते हो कि आपका प्लॉट कितना मीटर, कितना गज, कितना फीट, इसी मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर इस वीडियो के अंदर कोई आपके लिए टॉपिक मिस हो गया है, कोई आपके हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।